हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं ऑनलाइन क्लासेस में आपकी मदद के लिए। आज का हमारा वार्ता का जो विषय है वह बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से संबंधित है और टॉपिक आज का रहेगा हमारा सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं अनेक विषय ऐसे हैं जिनमें तथ्यों की पुष्टि हेतु सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। भूगोल, समाजशास्त्र, सांख्यिकी आदि अनेक विषय सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग करके अपने तथ्यों की पुष्टि करते हैं, परंतु इन आंकड़ों को समझना, याद करना और उनका सही सही विश्लेषण करके उचित निष्कर्ष निकालना आसान काम नहीं है। इसके लिए पर्याप्त अनुभव, अध्ययन, समय और परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसी कारण से साधारण व्यक्तियों में, सामान्य व्यक्तियों में सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रति कोई आकर्षण या लगाव नहीं होता। आंकड़े सदैव अंकों के रूप में होते हैं तथा बड़ी बड़ी सारणियों में लिखी हुई संख्याओं की विशेषताओं को समझने का कार्य न केवल कठिन है बल्कि नीरस भी होता है। इन सारणियों को यदि उचित चाक्षुष विधियों के द्वारा, दृश्य विधियों द्वारा, विजुअल मेथड्स के द्वारा आकर्षक ढंग से यदि निरूपित कर दिया जाए तो यह अत्यंत सरल और बोधगम्य हो जाती है तथा बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के एक दृष्टि में वो काफी सीमा तक सही सही अर्थ में समझने लायक हो जाती है। चाक्षुष विधियों का सांख्यिकीय आंकड़ों के निरूपण में वही महत्व है जो महत्व पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भूभाग को उसकी प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशाओं से संबंधित स्थितियों को समझने में जो मानचित्र की भूमिका होती है, वही भूमिका सांख्यिकीय आंकड़ों को समझने के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों के निरूपण संबंधी विधियों की होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण आजकल विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, लेखों में, विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों की रिपोर्ट्स में, प्रतिवेदनों में, पाठ्य पुस्तकों में सारणियों के साथ साथ इन आंकड़ों के चाक्षुष निरूपण का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और लोकप्रिय होता जा रहा है। सांख्यिकीय आंकड़ों के चाक्षुष निरूपण के मुख्य चार विधियां हैं। इनमें हैं आरेख, इंग्लिश में हम डायग्राम कहेंगे इसको, आलेख या ग्राफ, वितरण मानचित्र, डिस्ट्रीब्यूशन मैप जिसको हम कहते हैं, और एक है कार्टोग्राम, मान आरेख। आज की हमारी इस वार्ता में हम केवल आरेख और आलेख पर ही अपनी चर्चा सीमित रखेंगे। हम इस पर आगे बढ़ें इससे पहले हमें आरेख और आलेख शब्दों का अर्थ भी समझना जरूरी है। कभी कभी आरेख और आलेख शब्दों को समान अर्थ में प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन वस्तुतः इनमें भिन्नता होती है। इनकी भिन्नता को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध विद्वान एफ जे मोंकहाउस ने आरेख व आलेख का अंतर स्पष्ट किया है। वो लिखते हैं कि आरेखों की रचना में विभिन्न आलेखी विधियों जैसे स्तंभ, किरणें, सेक्टर्स
आदि का प्रयोग होता है, जबकि इसके विपरीत आलेखों में कोऑर्डिनेट्स निर्देशांकों की सहायता से ग्राफ पेपर पर अंकित किए गए बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिला दिया जाता है। तो ये आरेख और आलेख में भेद है, यद्यपि दोनों का उद्देश्य करीब करीब एक जैसा होता है। हम आरेख या आलेख भूगोल के विद्यार्थी अपने प्रत्येक कक्षा में, चूंकि हमें सांख्यिकी आंकड़ों से सामना करना होता है, इसलिए उनका इस्तेमाल हम करते ही हैं। तो आरेख और आलेख बनाना सीखने से पहले हमें इनके कुछ सामान्य नियम हैं आरेख और आलेख बनाने के, उनके ऊपर भी चर्चा करना अति आवश्यक है। तो आइए अभी हम उन सामान्य नियमों के ऊपर चर्चा कर लें जो आरेख और आलेख को बनाने के लिए मददगार होते हैं। उपयोगी और प्रभावोत्पादक आरेख आलेख बनाने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे नंबर एक, उपयुक्त विधि का चयन करना होता है। हमें यदि आरेख बनाने हैं, आलेख बनाने हैं, तो वो हम अनेक विधियों से बना सकते हैं। उन अनेक विधियों में से सांख्यिकीय आंकड़ों को भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा जब हम प्रदर्शित कर सकते हैं, तो हमें यह देखना होता है कि किस विधि की क्या विशेषता है, और हम वर्तमान में जो आंकड़ों का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उन आंकड़ों के लिए किस विधि का चयन करना उपयुक्त होगा। उदाहरण के तौर पर तापमान, वायुदाब, वर्षा अर्थात जलवायु संबंधी आंकड़े, जनसंख्या वृद्धि, आयात निर्यात, उत्पादन, उपभोग, आय आदि के कालगत परिवर्तनों को यदि हमें दर्शाना है, तो इन आंकड़ों के लिए आरेखों की तुलना में आरेख अधिक उपयोगी होते हैं। आरेख में उतना स्पष्टता नहीं आएगी जितनी कि आलेख में इन आंकड़ों के प्रदर्शन से आएगी। तो इसके मायने ये हुए कि हमें आरेख और आलेख बनाते समय उपयुक्त विधि का चयन करना अति आवश्यक है। यदि हम संक्षेप में कहें तो इन विधियों का चयन करते समय हमें आंकड़ों की प्रकृति, उनके मूल्यों का विस्तार अर्थात परिसर, और उनके प्रदर्शन के उद्देश्य को ध्यान में रखना जरूरी होता है। दूसरा इसका सामान्य नियम है उपयुक्त मापने का चयन। प्रिय विद्यार्थियों, आरेखों और आलेखों की मापनी के अनुसार ही रचना की जाती है। बिना मापनी के हम इनकी रचना नहीं कर सकते, और यदि करते हैं तो वो नियम संगत नहीं है, वो गलत है, उससे हमें सही जानकारी नहीं मिल पाएगी, हम आंकड़ों का सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। मापनी का चयन कागज के आकार और आंकड़ों की प्रकृति और विस्तार को ध्यान में रखते हुए करना होता है। संपूर्ण आरेख और आलेख कागज के मध्य में बने, उसका साइज उपयुक्त रहे, देखने में आकर्षक लगे, और उस कागज के ऊपर पूर्ण आरेख या आलेख को बना भी सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम मापनी का चयन करते हैं। तीसरा शीर्षक होता है। किसी भी आरेख या आलेख के ऊपर शीर्षक का लिखा होना अति आवश्यक है। बिना शीर्षक के किसी भी आरेख आलेख का महत्व शून्य हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता कि यह आरेख या आलेख किससे संबंधित है। तो शीर्षक में तीन बातें महत्वपूर्ण होती हैं। आरेख या आलेख की अंतर्वस्तु क्या है, आरेख या आलेख जिस क्षेत्र से संबंधित है उस क्षेत्र का नाम, और आंकड़ों का वर्ष, यह शीर्षक में दिया जाना आवश्यक है। साथ में चौथी इसकी विशेषता हम लेते हैं, संकेत का होना बहुत जरूरी है। संकेत इसलिए जरूरी होता है कि कई बार एक से अधिक तरह की आभाएं हम बनाते हैं आरेख में,
या आलेख में, तो उन आभाओं के लिए हम इंडेक्स देते हैं, नीचे रेफरेंस देते हैं कि किस आभा का क्या अर्थ हमने लिया है। एक अन्य इसका नियम है, शुद्धता और आकर्षण का नियम है। जो आरेख आलेख हम बना रहे हैं उससे जो चित्र बन रहा है वह चित्र यथासंभव शुद्ध होना चाहिए, ताकि उसको देख करके सरलतापूर्वक सही सही परिणाम निकाले जा सकें। और शुद्ध होने के साथ साथ वह चित्र स्वच्छ और आकर्षक होना चाहिए। स्वच्छ और आकर्षक चित्र निसंदेह व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और उसके मन पर अपनी एक छाप छोड़ते हैं, जिससे हमारा आलेख और आरेख के माध्यम से सांख्यिकीय आंकड़ों का अध्ययन करना अधिक सरल और ग्राह्य हो जाता है। एक विशेषता और एक नियम इनका यह है कि सरल चित्र होने चाहिए। आरेख और आरेख जो हम बना रहे हैं वो सरल होने चाहिए, यथासंभव सरल और बुद्धिगम्य होने चाहिए, जिससे आसानी से कोई भी व्यक्ति समझ सके। यदि ज़्यादा क्लिष्टता होगी, ज़्यादा उसमें जटिलता होगी, तो ऐसे में सामान्य आदमी उसे नहीं समझ पाएगा। और सामान्य व्यक्ति के नहीं समझने के कारण हमारे आरेख और आलेख का महत्व तो सीमित हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये थे कुछ सामान्य नियम आरेख और आलेख बनाने के। अब हमारा फोकस होगा कि आरेख जो हैं उन आरेखों के कौन कौन से प्रकार हैं, आरेखों के कौन कौन से प्रकार हैं इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दरअसल आरेखों की रचना में अधिक से अधिक तीन विमाओं का, तीन मापों का हम प्रयोग कर सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई कहीं गहराई के रूप में भी हो सकती है, लेकिन तीन विमाओं में हो सकता है इसका विस्तार। इसी आधार पर आरेख के तीन प्रकार होते हैं, एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख और त्रिविमीय आरेख। आइए अभी हम इन तीनों आरेखों की क्या क्या विशेषताएं हैं, तीनों आरेखों में क्या अंतर है, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लें। एक विमा आरेख बनाने के लिए एक ही विस्तार ऊंचाई या लंबाई का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसे एक विस्तार वाला आरेख भी कहते हैं। इसमें गणना भी एक ही माप की होती है। दंड की चौड़ाई आवश्यकता अनुसार हम आरेख को आकर्षक बनाने के लिए ले लेते हैं, इसलिए यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं। दरअसल दंड की चौड़ाई हमने सिर्फ इसको आकर्षक बनाने के लिए एक इच्छानुसार तय की गई चौड़ाई ले ली जाती है, इसका आंकड़ों से कोई संबंध नहीं होता। तो ऐसे आरेख जिनमें केवल और केवल एक दिशा में चौड़ाई या लंबाई आंकड़ों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, वे एक विमीय आरेख कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर रेखीय आरेख है, दंड आरेख है, दंड आरेख के भी विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं, सरल दंड आरेख है, मिश्रित दंड आरेख है, बहुदंड आरेख है, द्विदिशा दंड आरेख है, इनमें से कोई सा भी हो, सभी एक विमीय आरेख हैं। इसी तरह से पिरामिड आरेख है, चाहे वह सरल पिरामिड आरेख है, चाहे अध्यारोपित पिरामिड आरेख है, चाहे वह मिश्रित पिरामिड आरेख है, यह भी एक विम आरेख की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि इनमें भी एक ही दिशा में सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रदर्शन होता है। इसी तरह से जल बजट आरेख है, वर्षा विसरण आरेख है, रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम है, ये तमाम उदाहरण हैं एक विमीय आरेख के। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रकार है द्विविमीय आरेख। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक विमीय आरेख में जहाँ एक ही विस्तार लंबाई या चौड़ाई को दर्शाया जाता था,
वहीं इन द्विविमारकों में लंबाई और चौड़ाई दोनों मापों को साथ साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। इन्हें क्षेत्रफल आरेख भी कहा जाता है क्योंकि इनमें क्षेत्रफल के अनुपात में ही प्रदर्शन आंकड़ों का होता है। प्रदत्त मूल्यों का विस्तार जब अधिक होता है, अर्थात सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्यों का अंतर अधिक होता है, तो द्विविमारक बनाने आवश्यक हो जाते हैं। द्विविमारक के उदाहरणों की बात करें तो इकाई वर्ग आरेख, वर्गाकार ब्लॉक आरेख, आयताकार आरेख, चाहे वह साधारण आयताकार आरेख है चाहे वह विभाजित आयत आरेख है, चक्र या वृत्त आरेख, वलय आरेख, ये तमाम आरेख ऐसे हैं जिनका विस्तार दो दिशाओं वाला होता है, इसलिए इन्हें द्विविमारक की श्रेणी में रखा जाता है। इसी प्रकार आरेखों का तीसरा प्रकार है त्रिविमारक, थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स। थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स वे डायग्राम्स हैं जिनका विस्तार तीन दिशाओं में, तीन विमाओं में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई के रूप में अलग अलग दिशाओं में होता है। इन आरेखों में दिए गए मूल्यों या मानों को घन आरेख, ब्लॉक आरेख, गोली आरेख आदि के आयतन के अनुपात में प्रदर्शित करते हैं। जहां द्विविम आरेख में क्षेत्रफल के अनुपात में मूल्यों का प्रदर्शन हुआ था, वहीं त्रिविम आरेख में आयतन के अनुपात में आंकड़ों के मूल्यों का प्रदर्शन किया जाता है। इसी कारण से इन्हें आयतन आरेख भी, वॉल्यूम डायग्राम भी कहा जाता है। मुख्य तौर पर त्रिविम आरेखों के उदाहरण हैं गोली आरेख, घन आरेख और ब्लॉक पुंज आरेख। ये हमारे बीए पार्ट सेकंड थर्ड दोनों में इन आरेखों का अध्ययन होता है। बीए पार्ट सेकंड में अधिकांश जो आरेख हैं, एक विम आरेख, द्विविम आरेख हैं, त्रिविम आरेख का भी एक या दो उदाहरण इसमें हैं। आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं, वार्ताएं हैं, उनमें हम देखेंगे अलग अलग आरेखों की रचना, उनकी रचना हम कैसे करते हैं, उनकी रचना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी क्या उपयोगिता है, इन सब बातों पर हम आने वाली क्लासेस में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इस कक्षा